आजादी का अमृत महोत्सव समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का राज्यपाल आज करेंगे उद्घाटन। झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी 12 मार्च से 16 मार्च 2021 तक लगाई जाएगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का समारोह पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 75 हफ्तों तक चलने वाले इस भव्य देशव्यापी महोत्सव की शुरुआत कल प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की याद में निकाली गई पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची द्वारा खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से झारखंड के जन नायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्म स्थली खूंटी के टाउन हॉल में लगाया जाएगा। प्रदर्शनी के साथ साथ 5 दिनों विभाग के सांस्कृतिक दलों द्वारा गीत एवं नाच प्रस्तुति भी दी जाएगी। राज्यपाल के अलावा इस समारोह में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शिरकत करेंगे। झारखंड के साथ साथ कल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी रैलियों, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विचारों के अनुरूप आजादी के 75 वर्षों के समारोह के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 130 करोड़ भारतीयों के विचारों तथा भावनाओं को शामिल करने का प्रयास है। Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.